हेलो गाइस, और मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और पबजी मोबाइल लाइट, तो कह नहीं सकते बिकॉज पबजी मोबाइल चल रहा है गाइस, है ना। तो पबजी मोबाइल की वीडियो में हम लोग एक और बार आ चुके हैं गाइस। तो गाइस ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है गाइस, आप कैसे जो है फास्ट जिगल, और कैसे मतलब आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आज कैसे मतलब क्या जिगल कैसे वर्क करता है और मतलब किस सिचुएशंस में वर्क करता है। सो गाइस आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद जिगल के बारे में गाइस एक भी डाउट नहीं होने वाला है, बिकॉज गाइस मैंने पूरा मतलब पहले मैं बहुत पहले बनाने की सोचा था, यू नो मैं 2 हफ्ते से या 2 3 हफ्ते से सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनानी है, लेकिन जब मेरे को खुद मतलब अच्छे से नहीं आता था, लेकिन इसलिए मैंने पूरी ग्राइंड करी, प्रैक्टिस करी, अब मैं खुद अपना जिगल है ना पूरा मास्टर करके है ना आपको लिए एक वीडियो लाया, कि गाइस मेरे को किस किस चीज़ों में मेरे को दिक्कत आई थी, मेरे को कहाँ कहाँ पे मैं अटका था और क्या जॉयस्टिक की वजह से क्या होता है, कितना फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस स्टे ट्यून्ड इस वीडियो में, पूरा एंड तक देखना गाइस, है ना। तो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है मतलब इस वीडियो का, उसमें हम मैं आपको बताऊंगा कि जिगल होता क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि गाइस जिगल होता क्या है, तो गाइस जो जो जैसे इसको पता नहीं है, मैं उसको आपको एक स्मॉल से एक मतलब एक दे देता हूँ कि हिंट की क्या होता है। सो गाइस जैसे कि आप जैसे कि दे सकते हैं कि पहले से आप जैसे कि ये जो अपन कर रहे हैं, या आप भाग रहे हो, ये साइड लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो, इधर से उधर मूव कर रहे हो, इसे ही कहते हैं गाइस जिगल, है ना। लेकिन इसको एक बंदे को मारने में यूज़ करने में वो अलग बात होती है। जैसे आप इधर पे मूव कर रहे हो, ये सब जिगल है, इधर पे ये इधर पे मूव कर रहे हो, इधर पे जा रहे हो, है ना, ये सब जिगल है। बट अगर आप किसी बंदे को मारते हो तो वो एक अलग जिगल होता है, समझे, वो एक अलग जिगल है और ये एक अलग जिगल है। सो गाइस इसलिए मैं आपको जिगल के बारे में एक फ़र्क पड़ा था, है ना। तो एक नॉर्मल जिगल ये वाली होती है, ठीक है, ये अपना ये नॉर्मल जिगल, और इसे कहते हैं जिगल, ठीक है। जिगल तो मतलब पूरा यही रहता है घूमना फिरना, बट जो फाइटिंग में जिगल होता है वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलो गाइस मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। सो गाइस जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस जो हमारा टाइप्स ऑफ जिगल कौन सी होती होती है, मतलब जो हमारी बिगनर से लेकर प्रो तक की जो आपने जिगल देखी होगी, और आपको पता ही होगा कि आप लोग जिगल देखने क्यों आए हो, बिकॉज ऑफ जॉनथन, बिकॉज जॉनथन ने ये ट्रेंड लाया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जिगल बता देता हूँ कि गाइस नॉर्मल जिगल क्या होती है। तो गाइस नॉर्मल जिगल ये धीरे धीरे आपको जो जिगल मारते हो, जो बहुत सालों से चलती आ रही, जो सीजन 2 सीजन 1 से बंदे लोग यही करते थे, है ना। सबसे पहली जिगल होती है नॉर्मल वाली, ठीक है, और एक होती है एक साइड वाली जिगल, मतलब एक साइड वाली मतलब जाते रहो वो एक अलग चीज़ है ना, जिगल नहीं होती वैसे तो, है ना। ये अपनी एक जिगल है नॉर्मल वाली, एक ये वाली जिगल है। मैं आपको टोटल कितनी थ्री टाइप्स की जिगल बताने वाला हूँ ना, और एक अपनी जो जॉनाथन भाई ने निकाली है वो जल्दी जल्दी बिल्कुल जिगल मारना है ना, ये एक जॉनाथन भाई ने निकाली है अभी बिल्कुल नहीं, और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ही दिक्कत आती है लोगों को क्रॉस एयर प्लेसमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ों में, है ना। और एक थर्ड टाइप की जो जिगल होती है वो है स्कोप ओपन करके जो जिगल होती है वो अलग होती है, जैसे कि देख सकते हैं गाइस स्कोप ओपन करके जिगल करने में, है ना, क्या है कि बंदे लोग अगर दूर से मार रहे हो, अगर आप उसमें भी जिगल कर रहे हो, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस बन जाता है ना ब्रो, कि वो आपको स्टे बिल्कुल स्टिल होके मार रहा है, उसको आपके ऊपर है ना पूरा, जैसे ये टारगेट हिल रहा है, आपको ऐसे इनके ऊपर लगाना पड़ रहा है ना अपना डॉट है, रेड डॉट का, ठीक है, इसमें लगाना पड़ रहा है आपको पूरा एम टू एम। लेकिन उसमें क्या रहता है कि अगर आप सीधे खड़े हो, आपको स्टिल टारगेट मिल जाए, तो फिर आपको क्या दिक्कत है गाइस, है ना। सो गाइस जैसे मैंने आपको आपकी जो 3 ड्रिल्स थी मैंने उसको बता देता हूँ, और मैं आपको अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे गाइस। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आप मतलब जो जॉनथन वाली स्किल है वो मतलब सब लोग वो सीख ले आए हैं, तो गाइस अगर वो वाली आप जिगल करते हो तो गाइस आपको क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि आपकी जॉयस्टिक अटक जाती होगी, ऐसे मतलब कहीं पर साइड में अटक जाती है, इसलिए आप नहीं कर पाते होगे। लेकिन गाइस अगर आपको जॉयस्टिक को मतलब परफेक्ट साइज पे पहले रखना पड़ेगा, परफेक्ट साइज प्लस परफेक्ट जगह पे, इसको आपको ढूंढने के लिए क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको इधर पे आना है रोज इधर पे, या तो भाई मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बहुत बार अपना साइज चेंज किया लेकिन मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन गाइस जब मैंने ना मतलब शुरू कर दिया, मैं रोज आता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे, ये अपना एम लिया, मारो इधर पे आओ, मारो इधर पे आओ, मारो शिगल करो, पूरा जिगल जिगल करके मारो, है ना, इधर पे आओ और इधर पे जो ये वाले बोर्ड है इधर पे आओ, इधर पे प्रैक्टिस करो, इधर पे बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, भले ही कुछ कितने भी ड्रिल्स आप देख लो कि गाइस इधर पे कवर लेके इधर पे जिगल करना हो, लेकिन वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरी फास्ट जो मूवमेंट है पूरी देनी सीखनी होगी, है ना, क्योंकि इधर पे आपका क्या है कि थंब बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाता है। आप जैसे कि देख सकते हो जॉनथन है, घंटों तक ये चीज़ कर लेगा, मतलब उसको जिगल करने को बस बोल दो, वो हर जगह पे जिगल लगा देगा, ठीक है।
तो वो आपको बिल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पहले है ना, जैसे आपके सामने एक बंदा आता है मान लीजिए है ना, सामने से एक बंदा आएगा तो आपको उस समय ये जिगल सोचने का तो टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर जब आप मतलब अपनी आदत में डालोगे कि सामने एक बंदा आने वाला है तो आपको जिगल की मतलब पूरी फुल एक मतलब वो आ जाएगी अपने हाथ में आ जाएगी आपको कि सामने आ रहा है तो बंदे को जिगल से मारना है। और सबसे मेन बात गाइस ये इसको बिल्कुल मिस करना कि आपको अगर कोई भी मतलब जैसे ओपन से टीपीपी आप ले रहे हो मान लो है ना, तो आपको प्री फायर बहुत ज़रूरी है गाइस, इसमें जिगल में बहुत ज़रूरी है प्री फायर गाइस, पूरा प्री फायर दो, डैमेज दो, अंदर आओ पूरा फुल यही है गाइस, पूरा कवर में रहो और अपना पूरा जितना भी है ना स्प्रे पूरा जिगल करके करते भर दो। बस ये एक चीज़ याद रखना कि आपको कवर में मतलब मैक्सिमम टाइम रहना है, क्योंकि कभी कभी जिगल काम नहीं करता गाइस, क्रॉस हेयर प्लेसमेंट इज़ द मेन की है ना इधर पे आपको। और मैं आपको ड्रिल बता देता हूँ गाइस कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको इधर पे आओ है ना, अपना जैसे ये वाला टारगेट ये वाला डिसाइड कर लो, इधर पे आपकी जो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो जैसे मेरा प्लेयर है इधर पे इसका हेड आ रहा है, इधर पे हेड आ रहा है, तो उसके से कम 10 मीटर की दूरी बनाओ, ठीक है। ये कितना है जैसे कि देख सकते हैं 9 और ये 10 हो गई, ठीक है। 10 मीटर की दूरी बनाओ और पूरा जिगल जिगल पेल जिगल चेल है ना, पूरा जिगल ही जिगल देना, पूरा जिगल ही जिगल 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 है ना, पूरा इधर पे रखने जहाँ पे मैंने बोला था ना, जहाँ पे हेड रहता बंदों का, इधर पे कोई ज़रूरत नहीं गाइस, इधर पे ऊपर मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना ऊपर मारोगे आपका एम बिगड़ और जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे मारो, अपने लेवल पे मारो गाइस, लेवल पे मारोगे आपकी आदत बनेगी लेवल पे मारने की और आप आराम से ही पूरा मतलब निकाल दोगे आराम से गाइस इधर पे, क्योंकि बहुत सारे मैंने को देखा है कि सब बोल रहे हेड पे मारो हेड पे मारो हेड पे मारो हेड पे मारो, कुछ नहीं मतलब भाई, अपने लेवल पे मारो कि आपके जो बॉडी लेवल है वो बंदी की वो कहाँ पर रहेगी उसके हिसाब से मारो गाइस, इधर पे कुछ मतलब नहीं है और कुछ करने का। इसलिए गाइस मैं आपको पूरा जो ट्रू मीनिंग है जिगल का और उसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है मैं पूरी दे चुका गाइस कि कितने टाइप के जिगल होते हैं है ना, और स्कोप वाले के लिए भी आपको सेम है, लेकिन बस स्कोप वाले में इतनी दिक्कत होती है कि आप अगर मार सकते हो बंदे को स्टिल में तो स्टिल में मारो गाइस, स्कोप वाले अगर 1-to-1 वो भी आप पे मार रहा है ना जब आपको मतलब जिगल करने की ज़रूरत पड़ेगी स्कोप के साथ, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप दूर मार रहे हो जैसे कोई बंदा एक स्टिल है जैसे वो देख सकते हो, वो मेरे को नहीं जानता तो मैं उसको मारने के लिए पूरा स्टिल होकर मारूंगा, लेकिन अगर वही बंदा अगर मेरे को देख ले और वो मेरे को मारने शूट करने दे तो मेरे को अपना जिगल करना है और अपना मस्त उनको पेलना है वैसे है ना। तो इसलिए यही पूरी मतलब जो ड्रिल्स हैं पूरी चीज़ें हैं ना, और एक और चीज़ लास्ट में बता दूं कि अगर आपके सामने वाला बंदा जिगल करे तो पूरा आपको मूवमेंट देके मारना है गाइस, पूरा मूवमेंट देके मारना है ना, आप या तो एक बार उसका एम बिगाड़ने के लिए प्रोन या तो क्राउच कर लो गाइस है ना, ये बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर सामने वाला जिगल कर रहा है तो एक बार क्राउच या प्रोन कर दो उसका एम बिगड़ेगा, उसका हेड पे एम उसको लगाना पड़ेगा, बिकॉज जिगल में एम सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है हेड पे एम लगाना, ठीक है। तो आपको यह प्रैक्टिस करनी है हेड पे एम लगाने का, मैंने आपको बताई दी थी कि हेड वाला बंदा का मतलब हेड वाली जगह कहाँ पे होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें पूरी करनी है, और गाइस ये पूरी मतलब मैंने आपको जिगल की सारी चीज़ें जितनी भी थी मेन चीज़ें जितनी बेसिक और मेन, और आपको अगर बहुत और भी कुछ मतलब चाहिए ट्रेनिंग वेनिंग और भी मतलब और भी चीज़ें जैसे सेंसी वेंसी की कैसे पता लगानी है और आपको कंट्रोल कैसे सेट करना है और क्या टू फिंगर के मतलब एडवांटेज है ये सब, तो आपको ये सब टॉपिक्स चाहिए तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बार बता देना यार, क्योंकि मैं मतलब अब पूरा सीरियस होकर आऊँ कि मेरे को बनानी है वीडियो, ठीक है। सो गाइस जिसको भी वीडियो चाहिए गाइस प्लीज़ है ना, ड्रिल्स की वीडियो चाहिए और जैसे आपकी जो कार जाती है आपको उसमें स्प्रे करना सीखना है कि कैसे मतलब बंदे को अगर कार जा रही है तो उसको उतार दो बंदे को है ना, अगर वो आपको सीखना है तो गाइस उसकी मैं सारी ड्रिल्स और उसका जो बेसिक मतलब फिनोमेना रहता है वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बता दूंगा। सो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, तो गाइस यार पसंद आए तो यार लाइक मार देना और भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो ज़रूर मार देना, बिकॉज गाइस भाई क्या यार बत्ती भाई धूप में तो बिना पंखे के वीडियो चला रहा हूँ भाई, बिल्कुल मतलब बैकग्राउंड में साउंड आती इसलिए। तो गाइस मिलते हैं आपको सारी वीडियो, आपका जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।